सो गाइज़, आप लोगों को एक बात पता होगा कि जब भी हमें अपने मोर्टार की क्वांटिटी निकालनी होती है फॉर प्लास्टर वर्क एंड ब्रिक वर्क, तो जो हमारा फिजिकल डायमेंशन, मतलब जो हमें ड्राइंग में लेंथ, ब्रेथ और जो उसके डेप्थ यानी कि 10 mm, 50 mm, 12 mm जो भी देते हैं, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब भी हमें क्वांटिटी निकालना होता है अपने मटेरियल का, मतलब कि आप जो उसमें बालू यूज़ करने वाले हो और जो सैंड यूज़ करने वाले हो, तो उसको डिराइव करने से पहले हम लोग अपने वेट वॉल्यूम को, जो भी एक चीज़ याद रखना है कि जो भी हमारा क्वांटिटी हमें अपने ड्राइंग से मिलता है वो वेट वॉल्यूम होता है, उसमें हमें 1.33 मल्टीप्लाई करना होता है। तो आखिर ये 1.33 है क्या और इसको क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है अपने वेट वॉल्यूम में, तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। सो गाइस, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 1.33। तो इट इज़ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर जो हेल्प करता है हमारे वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। तो और कंटिन्यू करने से पहले बेसिक चीज़ समझते हैं वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस। वेट वॉल्यूम ये हो गया, मोटार बनाने के लिए हमें सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए और वाटर चाहिए। तो जब तीनों को मिलाकर हम अपना मोटार बनाते हैं, अपना मसाला तैयार करते हैं, उसको कहते हैं वेट वॉल्यूम। और ड्राई वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अभी हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है, सूखा है, आपका सैंड सूखा है, तो वो जो वॉल्यूम निकल कर आता है उसे हम कहते हैं ड्राई वॉल्यूम। अब समझते हैं कन्वर्जन की क्यों ज़रूरत है, ड्राई वॉल्यूम को, वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में क्यों कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना दोस्तों, नोट डाउन करके भी रख लो कि जो भी हमें क्वांटिटी अपने ड्राइंग से मिलती है, ड्राइंग में क्वांटिटी कैसे मिलेगा कि सपोज़ बोल दिया जाएगा कि आपका 6 मीटर का वॉल है, 2 मीटर मतलब 6 मीटर उसके वेट है, 2 मीटर उसका हाइट है और उसमें आपको 12 mm का प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर के लिए जो मोर्टार की क्वांटिटी आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और m³ में आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो वो जो क्वांटिटी आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ जो ड्राइंग में आपको डायमेंशंस प्रोवाइड किए गए हैं, वो होता है दोस्तों वेट वॉल्यूम। सो वेट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपना मोटार बना लिया, जो भी क्वांटिटी आया था उतना मोटार बनाया और चले गए साइट पे काम करवाने। बट आप देखो ये क्या कि मोटार तो उतना बना, डायमेंशंस तो उतने थे मेरे पास, उसके बावजूद क्या होता है, मोटार घट जाता, मसाला घट जाता। तो आखिर ऐसा क्यों, मैंने तो भाई लेंथ, ब्रेथ, हाइट जितना ड्राइंग में दिया था उतने दिया, उसके बाद भी मसाला क्यों घट गया। सो यहाँ पे हुआ ये दोस्तों कि जैसे ही हमने सीमेंट और सैंड को एक बाइंडिंग मटेरियल बनाने के लिए वाटर के साथ मिक्सअप किया तो उसकी क्वांटिटी घट गई टू श्रिंकेज, और हमें अपना रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे वेट वॉल्यूम में 1.33 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब और डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये 1.33 आया कहाँ से। तो 1.33 में अगर 1 की बात करें तो वो आपका वेट वॉल्यूम का मल्टीपल है और 33 रिप्रेजेंट करता है कि 33 टाइम्स हमें और इंक्रीज करना है और बढ़ जाना है अपने वेट वॉल्यूम में ताकि हमें ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी मिल पाए। इसीलिए जब भी हमें अपने ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी निकालनी होती है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वांटिटी समोज के हमारा 2 mq है तो उसमें क्या करेंगे, 1.33 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिलेगा 2.66, मतलब ये क्वांटिटी और बढ़ गया। तो जब भी हमारे पास वेट वॉल्यूम आता है तो उसमें हमें क्या करना है, 1.33 मल्टीप्लाई कर देना है और आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हो। अब जल्दी से एक एग्जांपल देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि हमने ड्राइंग रीड की और ड्राइंग रीड करने के बाद हमें यह मालूम चला है कि प्लास्टर करने के लिए 2 mq मोटार हमें चाहिए होगा। तो मतलब ये है कि हमने जो वहाँ से क्वांटिटी निकाला वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है आपकी वेट वॉल्यूम। लेकिन वेट वॉल्यूम से काम बनने वाला नहीं है, माल तो शॉर्ट कर जाएगा, मोटार तो कम पड़ने वाला है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, तो ड्राई वॉल्यूम होता है वेट वॉल्यूम प्लस 33% ऑफ वेट वॉल्यूम, मतलब कि वेट वॉल्यूम तो रहेगा उसमें और आपको कितना परसेंट इंक्रीज कर देना है, 33% इंक्रीज कर देना। तो वेट वॉल्यूम कितना हमारे पास, 2 mq प्लस, क्योंकि मैंने बोला ना वेट वॉल्यूम रहेगा उसमें और उस वेट वॉल्यूम का 33% इंक्रीज करना है, तो उसी वेट वॉल्यूम का 33% निकाले तो कैसे होगा, 33/100 और ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, 2, जो भी हमारा वेट वॉल्यूम था। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 mq प्लस 0.66 और ओवरऑल जब दोनों को एडअप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2.66। सिंपली जैसे हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 2 mq को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1.33 से डायरेक्टली तो भी
भी आपको मिलता है 2.66 और ये डिराइव करके भी आपको मिल गया 2.66। तो आपके लिए ईजी हो जाता है, समझ में तो आ गया होगा ये डेरिवेशन कैसे आया क्यों करते हैं। सिंपली आप जब भी आप कोई भी ड्राई वॉल्यूम निकालते हो, वेट वॉल्यूम निकालते हो, उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मोटार के लिए, तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1.33। और वहीं अगर आप कॉन्क्रीट की बात करते हो जिसमें एग्रीगेट होता है, तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है 1.54, तब जाके आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल जाता है। अब जाते जाते मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था 33%, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना निकल गया है 1.33। सपोज़ कि आपको कोई बोलता है 50% और उसमें बढ़ा देना है, उसका और 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.50, 40% 1.40, 10% 1.10, और अगर 9% मिलता है तो 1.90। नहीं दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, 9% के लिए हो जाएगा 1.09, ठीक है 1.09। अगर आप 90 करते हो 1.90 तो होता है 90%, ठीक है 50% 50, 40% 40। तो अगर आपको बोलता है कि इसका आपको 9% और ज़्यादा बढ़ा कर लेना है तो 1.09 आप सिंपली उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल जाएगा। तो होप गाइज आपको ये जो 1.33 मोटार में यूज़ करते हैं ड्राई वॉल्यूम को वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आज क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।